इतनी कड़क धूप है गाइस, ऐसे टाइम पे देखो इतनी लाइन है गाइस डॉक्टर के पास, इतनी लाइन है, 52 नंबर है हम लोग का। फिर अभी 40-42 हो जाएगा, हो गया होगा, हो जाएगा नहीं आ जाएगा 10 मिनट में नंबर है ना जल। पूरी दिखा दे ये ना जान, सकाळी दुपारी का दुपारी मट्टू, मेरा मट्टू बैठ गया दो माला चढ़कर थक गई बिचारी। मट्टू 2 घंटा सोएगा ना अभी तो इंशाल्लाह बहुत ठीक हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। मैं ये बेडरूम सही कर रहा हूँ, मैंने आधे से ज्यादा कर दिया, खाली धक्का मार के ये तरफ लेना है और वो कबट के ऊपर से बैग वगैरह निकालना है। तो गाइस हटा दिया पूरा मैंने, हालत बुरी हो गई है। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह नजरे बस से बचाए आप लोगों को भी और हमें भी, और आप लोग आमीन बोलते नहीं हो, वेलकम हो गया आप लोगों का आसमा शाहनवाज ब्लॉग में, आमीन बोलो। देखो आपकी आपा हो गई है बीमार, कल से आपके आपा की इतनी तबीयत खराब है, आज सुबह सुबह उठ के इसको मैं डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। और मेरे घर का कलर का काम चालू है, आज सेकंड डे है, अभी वो बंदे लोग भी आएंगे, पूरा पीओपी वाला काम हो गया है, एक छोटे बेडरूम का बच्चा है, फिर कल परसों से कलर भी स्टार्ट होगा, 4-5 दिन का काम है। और मेरी बीवी देखो बहुत बीमार पड़ गई, रात भर उसको इतनी तेज बुखार थी। आमीन बोलो, दुआ करो, मेरी बीवी को क्या जल्दी नज़र लग जाती, इसलिए मैं बोलता हूँ अल्लाह पाक आप लोगों को भी और हमें भी नज़रें बस से बचाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो चलो चलते हैं, मोटू को लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल, पहले देखते हैं उसको, कुछ नाश्ता करा देता हूँ फिर चलते हैं हॉस्पिटल। चल जा आराम से चल, धूप भी देखना इससे टाइम पर ऐसे कड़क है, जानू इतनी कड़क धूप है भाई ऐसे टाइम पर, देखो ने कड़क धूप, मेरा मोटू एकदम ढीला हो गया बेचारा, इतना तो दवा दिलाई बस आराम से नींबू पानी वगैरह कुछ पीना पी ले है, कुछ नाश्ता पहले तेरे को करा दूँ तो पहले दवा लेती, अगर लाइन रहेगी तो पहले इडली उडली खा ले है ना। चलो ठीक है, लाइन है 52 नंबर है हम लोग का, और ये तो जहाँ बैठे हम लोग ये डॉक्टर साहब बन रहे हैं, इनके बाजू वाले डॉक्टर है, देखो मेरी मोटू को 52 नंबर है, हम लोग आए थे 27 पे थे, अभी 39 चल रहा है। ये बंदे, ये बंदे ये मेडिकल वाले के वो बाजू में है वो डॉक्टर, ये वाला बंद है लेकिन वहाँ बैठने भी जगह नहीं है, 52 नंबर है बोला ना आप लोगों को करके हम लोग बैठे हैं इधर। अल्लाह पाक जल्दी नंबर आ जावे मेरी मोटू का, जैसा उसको दवा बड़ी अच्छी हो जाएगा। फिर अभी 40-42 हो जाएगा, हो गया होगा, हो जाएगा नहीं आ जाएगा 10 मिनट में नंबर है ना जल। बहुत गर्मी है गाइस, बहुत गर्मी है, ये पूरे बाहर भी खड़े ना पूरा नंबर है, बाप रे बाप, मेरे मोटू को एकदम चक्कर आ रही, लेट गया मेरे मोटू में, मेरा आधा घंटा हो गया यहाँ पे नंबर लगा के। वेस्ट में भी एक अच्छे डॉक्टर है फारूक भाई है ना जो, बहुत अच्छे डॉक्टर है, लेकिन ऐसा उनका कोई टाइम टेबल नहीं है, अब उनका नंबर भी अपने पास नहीं है, और एक तो पहचान वाले थे नाला तो पारा में जिनके पास उनका नंबर होगा, सोचा नहीं उनको, उन लोगों का भी नंबर नहीं मिल रहा है, मेरे पुराने मोबाइल में चला है, मेरे पूछ लेना अभी कैसा ओला करके वहाँ पर जाऊँ, लेकिन जाके ऐसा है कि टाइम टेबल नहीं है, तो अभी बज रहा 10:30 उनका, तो ऐसा जाता है हमने देखे वो 1-2 बजे आते हैं और रात में भी 10 बजे आते हैं, ऐसा टाइम नहीं लगता। चलो देखते अभी कितना नंबर आया, 5 मिनट बाद जाके देखता हूँ, थोड़ा लेते हैं। 43 नंबर चल रहा है, 43 हम लोग का है 52। पूरी दिखा दे
है ना जान, तीन टाइम सकाळी दुपारी नीचे वाली जो क्रॉसिंग है जो कल लाया था तुम्हारे लिए है ना, दिखा देते मोटू। तो गाइस दवा ले ली मेरी मोटू ने और कल की जो दवाई मैंने पूरी दिखाया जो मेडिकल के डॉक्टर ने जो बंद थे उन्होंने लिख के दिए थे कंधे का ना, और तीन दिन वो डॉक्टर और बंद है उनसे मैंने फ़ोन पर बात करके जो दवाइयाँ ला के दिया था वो बिल्कुल बंद कर दो बोले उन्होंने। अभी दूसरे डॉक्टर मुझे उन्होंने अपने पास की दवाई दी और कुछ मेडिकल की दिए बाहर की तो ये करो इंशाल्लाह बोले शाम तक खड़ी हो जाएगी और गारंटी से बोले ना मोटू को। हाँ। क्या बोले देखो शाम तक तू बोलेगी डॉक्टर साहब बहुत अच्छी दवा दी है। हाँ। जल्दी खड़ी हो गई है ना। हाँ। चलो ठीक है लेते हैं नाश्ता अभी फिलहाल तुम एक काम करो दूध और क्या बोलते पाओ एक लीटर दूध ले लो दूध और बन खाओ बन और दूध इनके पास बन अच्छा नहीं रहता जानो डिलक्स वाला अच्छा रहता नहीं, नहीं। चलो देखते हैं देखते चलो हाँ ले लेता हूँ ना। हाँ। चलो मेरा मोटू बैठ गया दो माला चढ़कर थक गया बिचारी बहुत कमजोर है डॉक्टर ने बोल दिया उसका बीपी पूरा लो हो गया बोला ना कभी लिया उसके लिए नाश्ता फिर दवा खा हर सब दवा उसको पेट भर के नाश्ते बाद ही खिला हुआ है खाना अब पूरी दवा कंप्लीट कोर्स करना पूरा अब परसों कल के एक बार डॉक्टर साहब को दिखा लेना समझे बस आराम से दो माह आ गए तो एक बार में चलो बना दें गाइस मेरे मोटू को खिला देता हूँ दवा में है ना फिर अभी आएंगे वो कलर वाले भाई लोग पहले मेरे मोटू को दवा खिलाता हूँ और उसको बोलता हूँ दो घंटा आराम कर दो घंटा तो आराम कर ले फिर वो भाई लोग आएंगे तो मैं बताता हूँ मेरे को ये वाला बेडरूम पूरा खाली करना है क्योंकि अभी इधर पे काम चालू होगा फिर बाद में पूरे घर में कलर का होगा तो चलो देखते हैं मोटू क्या कर रही चलो मेरे मोटू हाँ निकालो दवा और पूरी दवा खाना हाँ ये दिन में दो टाइम एक इसमें की निकालो हाँ ये दिन में तीन टाइम इसको एक साइड रखो वो तीन टाइम है हाँ हाँ वो दो टाइम है और एक होगी दो टाइम है हाँ अब वो तो एक पैकेट मिला दिए ना पानी के अंदर इधर वो कल मिलाने का है और ये तीन टाइम डॉक्टर ने बोले जान अभी तुम्हारा डॉक्टर मैं हूँ ना अभी तुम पूछो मत मैं खिला रहा हूँ तो चलो पहले खिलाते हैं मोटू को दवा कितनी गोली निकाले ये दो गोली ये एक गोली ये एक गोली ये एक गोली ये दो गोली ये दो गोली बिस्मिल्लाह करके खा लो मैं खा लूँ देखो खा लो मैं खा लूँ अरे तो पैसा ले लो नहीं खाइए ना उसको बच्चे लोग को पीसते हैं ना पीस के पानी में मिला के वैसा खिलाना पड़ेगा पैर में दबा के आएगा दो तीन दिन में इंशाल्लाह अच्छी हो जाओगी हो गया ये पानी से कर लिए थोड़ा और पियो आधे दिन में खत्म करोगे अच्छा है तो ये पीने के बाद में फिर तुमको थोड़ा सिरप पियोगे तो फिर वो क्यों पियोगे हाँ तो सिरप के ऊपर पानी पियोगे तो कैसा रहेगा एक ढक्कन पियो छोटा सा निकाल दो ज्यादा मत पियो सिरप तीन टाइप पियो हाँ पाँच है बस और पी लो ये पानी पी के सिरप के ऊपर कुछ मत करना बैठ जाने ऊपर आराम कर लो फिर दो घंटा आराम पानी भी नहीं पियूंगी बहुत नरम हो गई मेरी मोटू है तीन चार दिन से बीमार है वो मैं तीन चार दिन से जैसी है ना ये नॉर्मली वाली है तो मेरे को इतना वो नहीं हुआ मैं बोला चलो ये तो नॉर्मली है वो खुद बोल रही है कि मैं बीमार होती हूँ और सर्दी की तो मैं दवा लेकिन कल रात में जो 8 बजे के टाइम उसके वजह से मैंने खाली हाथ लगा बोला ऐसा झटका पूरी रात हम लोग जाके वो बेचारे नसरीन आपा है वो भी आए नसरीन आपा ने पूरी इनको पट्टी करा है
सब करे बोले भाई तुम भी ऐसा करो, फिर वो क्या जैसा क्या मतलब पानी वाली पट्टी ना, वो पानी पट्टी करके अभी हो जाएगा सही हो जाएगा। अभी दवा खाए ना, अभी डायरेक्ट एक दो घंटे का फर्क पड़ेगा। एक ही बात बोले वो जो दवाई है सब बंद करो, और ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया मेरा, हाई होता है इस बार मेरा लो कैसे हो गया इतना ज्यादा। ब्लड प्रेशर की गोली खाती है वो भी अभी टाइम, अभी कितने दिन से तुम खाना वो कर दी ना अपने घर में से बंद कर दी, अब बंद नहीं करना चाहिए, कभी कभी लेना चाहिए लेकिन बंद कर दी। चलो बंद भी कर दिया, लो तो रेगुलर लो, नहीं तो मत लो। लेकिन अगर बस गाइस इसकी दवाइयां कैसे छुड़ाओ मैं अब देखता हूं, ये दवा खा के भी गल जाती है मेरे को मालूम ना, दवाई ज्यादा भी खाने से गल जाते हैं इंसान, समझे। मैं लगा दूंगा रात को, इतनी वो बेचारे नसीब यहाँ पे आके पट्टी किए है, पूरा बुखार उतर गया आधा घंटा लगा बुखार उतर में। हाँ वो और मैं कर रहे थे पट्टी को, आधे घंटे में ठंडा हो गया पूरा, फिर आधे घंटे बाद चढ़ जा रहा, ये सुबह तक अभी तक चल रही है कहानी है जन। वही मैं सोच रही अचानक क्या हो गया भाई, कल सुबह से तीन बार क्रोसिन खाई, रात में वो मेडिकल से आया वो खाई, सिर्फ तीन बार पी, अभी इंजेक्शन दिया है डॉक्टर ने, इंजेक्शन भी दिया अच्छा डॉक्टर है माशाल्लाह, वो भी गुजराती है ना अच्छा डॉक्टर है, वो भी ऐसा क्राउड रहता है साल के बारह महीने देखते हैं ना हम लोग, जब बाहर तक लाइन नंबर रहती है। मैंने मेरे से इतनी देर बैठना नहीं जा रहा है, कुछ खाना वाना बनाओ मत, कुछ मत बनाओ, और बता दो कि ब्लॉक का टाइमिंग भी हम लोग गाइस, अभी ब्लॉक का टाइमिंग हमारा 5 बजे का था, जो हम लोग पहले टाइमिंग फिक्स नहीं किए थे, लेकिन काफ़ी दिनों से 5 बजे का मेरे मोटू ने कंफर्म टाइम कर दी थी, लेकिन अगर अभी हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है, ब्लॉक एक दिन में दो भी आ सकता है, लेकिन या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन भी आ सकता, और कौन से टाइम पर आएगा ये पता नहीं है, लेकिन आएगा ज़रूर है ना। अभी जैसे कल घर का कलर का काम हुआ अपना, जो काम चालू था आज दूसरा दिन है, अभी वो भाई लोग 5 बजे के टाइम आएंगे, मेरा छोटा बेडरूम बाकी है, वो बताया ना वहाँ का कलर होगा, बैठा नहीं जा रहा है, चलो बैठो, चलो मेरे मोटू को लिटा देता हूँ, ऊपर जाओ थोड़ा ऊपर ऊपर बैठो, अच्छा बैठो लेट जाओ, चलो थोड़ी देर बाद। मेरा मोटू 2 घंटा सोएगा ना अभी, तो इंशाल्लाह बहुत ठीक हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। आप लोग दुआ करो मेरे मोटू के लिए कि मेरी मोटू की तबीयत अच्छी हो जाए और मेरी मोटू हमेशा खुश रहे। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, मोटू को देखता हूँ, मैं 2 घंटे में अच्छी होगी तो बहुत खुशी होगी मेरे को। फिर क्या वो भाई लोग आ गए 5 बजे, तब मेरे को बाजू वाला बेडरूम पूरा खाली करना है, मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, मैं भी थोड़ी रात नहीं सोया हूँ, तो 2 घंटे बाद हम लोग उठते हैं। मेरे मोटू को एक जगह पे नाश्ते वास्ते का खाने का तो बंदोबस्त करके दे दूंगा, और फिर और कहीं जाके वो वाले रूम में बिठा दूंगा, या फिर जब तक यही रूम में रहना जाने ना, मैं क्या बाजू का काम करवा लेता हूँ, सब सामान हटा के वो भाई लोग से उठने के बाद, फिर देखते क्या करना है, फिर मिलते हैं आप लोगों से। मैं बहुत बात कर लिया, 2-3 दिन से मैं ही बात कर रहा हूँ, मेरी मोटू आप लोगों से बराबर बात नहीं कर पाई, मैं चाहता हूँ अभी इंशाल्लाह उठेगी तो मेरी मोटू बात करेगी आप लोगों से जैसा करती थी। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर। तो गाइस बज रहे हैं 2:15 या 2:30, मैं चेंज कर लिया हूँ कपड़े क्योंकि मैं ये बेडरूम सही कर रहा हूँ, और मैंने आधे से ज़्यादा कर दिया हूँ, खाली धक्का मार के ये तरफ लेना है, और वो कबट के ऊपर से बैग वगैरह निकालना है। मेरा मोटू कर रहा है यहाँ पे आराम। तो चलो पहले मैं, क्योंकि अभी 2 घंटे में वो भाई लोग आएंगे, और मेरे को जाके खाना भी लाना है, फिर मेरा मोटू उठेगा, हम लोग खाना खाएंगे, तो ये लोग को मैं पूरा सेटअप करके दे देता हूँ ताकि घाई घाई वाला काम ना हो, है ना। तो चलो देखते क्या बाकी है इधर, कुछ भी नहीं बाकी है, देखो ये एयर कूलर हटाना है, ये हमारा माल, ये आज ही जाने वाला था, लेकिन कैसा भी वो आ रहा बोला, मैं बोला एक काम करता हूँ भाई कल सुबह मॉर्निंग में आओ, क्योंकि यहाँ का भी काम है, मोटू की भी तबीयत खराब है, बोले शाम तक आऊँगा, मैं बोला शाम में फिर वो कलर वाले आ जाएंगे, मैं सुबह कॉल करता हूँ, लेकिन ये न्यूयॉर्क का माल है मेरे मोटू का पूरा पार्सल। तो
तो चलो अभी ये सब साइड करते हैं, साला इसकी भी कास्ट टूट गई। चलो अभी करते हैं साइड में ये सब, फिर बताता हूँ आप लोगों को साइड करके सब। ये बैग वैग सब उतारना है, हम लोग अजमेर गए थे तब लिए थे बैग पिछले साल, तो वो पुराना वाला है, वो रखे रखे जो कहीं जाना होता नहीं तो वैसे पड़े हो गए। तो चलो हटा दिया पूरा मैंने, हालत बुरी हो गई यार। अब थोड़ी देर बाद मोटू को उठाता हूँ, देखता हूँ क्या हाल है। दुकान पर उतर गई है शायद, देखते हैं। मैं फिर से एक बार फ्रेश होता हूँ और खाने के लिए जाता हूँ, मोटू को खाना वाना खिला के फिर एक बार दवा खिला देता हूँ। ये देखो मैंने कैसा रखा है कबर्ड, एक टेबल अभी साफ़ किया उसको, मस्त पोंछ भी लूँगा कपड़े से। अगर हॉल में अगर डालूँगा बेड तो ये कबर्ड हटा दूँगा, वो ब्लू वाला इधर लेके आ जाऊँगा, वहाँ पर दो तीन बड़े बेड रख दूंगा, क्या पसारे ज़्यादा दिखे नहीं हुए हिसाब से। तो चलो चलते हैं, मोटो को भी देखते हैं, पहले आप लोगों को एक बार दिखा दूँ। तो ये देखो ये दीवार पूरी कबट के पीछे से, ये लोग को रास्ता दे दिया मैंने पूरा हटा के साफ सफाई करके बीच में रख दिया। अब साइड साइड से अपना काम करो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, टावेल लटके हुए हैं बस, वो हटा दूंगा। ये हो गया, इतने पसारे, इतना सामान है माशाल्लाह, वो खिड़की के बाहर भी रखा हुआ है पूरा सामान। तो ये काम हो जाए एक, फिर देखते हैं। चलो अब मोटू सोया हुआ है इधर पे, पूरा सामान मैंने इधर साइड साइड में रख दिया हूँ, तो मिलते थोड़ी देर बाद, मोटू उठेगा तो आप लोगों से। तो हे गाइस, मैं आ गया नीचे जाके ऊपर घर में। मेरा मोटू जब से लेकर अब तक भी सोया था, मैंने ये पूरा सेटिंग किया, मैं बताया, मैं नीचे जाके वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बनेगी। मेरा बस यही अरमान है मेरी मोटू तुम लोगों से बात करेगी। तो मेरे मोटू इतना नरम हो चुका है, अभी तक भी सोया था, मैंने उठाया और मैंने खाने के लिए बाहर से लेकर आया मेरा मोटू, और मैं खाते और दुआ करो मेरे मोटू को खाए जाए बस। और मेरी मोटू रात तक नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा कि अभी पूरी अच्छी हो जाएगी, कोई इतने जल्दी सुबह दवा लिए पूरा अच्छा नहीं होता है। आज कल की सुबह तक, मॉर्निंग तक इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। तो चलो मिलाता हूँ मेरे मोटू से। तो गाइस देखो ये किचन सब ऐसे रखा है, बर्तन वर्तन माशाल्लाह धुले हैं, सब कुछ सही है। अभी वो भाई लोग आएंगे यहाँ पे काम करेंगे ये वाले बेडरूम में। और ये देखो ये मेरा मोटू बैठा है उधर, वहाँ पे ये काम हो चुका है, बस कलर सब में बाकी है। तो ये देखो चलो मिलते हैं मेरे मोटू से। तो मैंने वहाँ के भी कुछ सामान ला के यहाँ रखा हूँ मेरे मोटू से। Hey guys, assalamualaikum, welcome हो गया आप लोगों का। सुबह सलाम किए थे, हाँ ऐसा ऐसा करके किए थे, अस्सलाम वालेकुम, ऐसे सलाम की थी ना, ऐसे अच्छे से सलाम की। ये मेरे घर की बॉस है भाई है। ऐसा हो गया था कि मैं सुबह में ना ऐसा लगा कोई और दुनिया में हुआ हुई ही नहीं। ये बोलते ना मेरे घर का बहुत बड़ा वाला डॉन है, और ये बड़ा एकदम बड़ा मुद्दा है इसका पूरा, मेरे घर का ये मैडम है पूरी, आधी अच्छी हो गई हूँ, ननंदों की भी मैडम, हस्बैंड की भी मैडम, पूरे घर की मालकिन पूरा। देखो सब, अब तुम दिखाओ, मैं चलता हूँ, तुम दिखाओ। अभी ये काम करने आएंगे तब तक अपन खाना खा लेते। बहुत देर सो गई। खाना कहाँ खाओगे आप? हॉल में। हॉल में खाओगे आज? तो फिर क्या बहुत देर सो गए? बहुत देर सो गई, अभी उठी हूँ, अभी भी मतलब मैं बीच में एक बार उठी थी और मैं हॉल में गई थी तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे को बहुत चक्कर आ गया, बोल के वापस आ गई और वापस लेट गई। वापस लेट गई, फिर मैं जाके बाजू का साफ सफाई किया। जब तुम बाजू की साफ सफाई किए ना मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी भी मुझे ना ऐसा डर लग रहा था कि शायद मेरे को अभी भी फिर चक्कर आ जाए। कुछ नहीं होगा मेरी जान को। अभी मैं उठी और एक बार हॉल में जाके फिर ग्राउंड लगा ना तो मेरे को चक्कर नहीं आया। अभी ये खाना खा के एक खुराक और खाओगे ना सब सही हो जाएगा। चक्कर थोड़ी कम हो गई है शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है अभी तो। अभी थोड़ा खाती हूँ, मेन मेरे गले में थोड़ा इन्फेक्शन है तो तीखा मेरे से ज्यादा खाया नहीं जाएगा, लेकिन मैं सब खाना पड़ेगा नीचे तो।
नहीं तुम लाए हो तो मैं खाऊंगी, इसलिए मैंने चॉकलेट। मेरे को भी खांसी होगी। चलो ये देखो गाय चॉकलेट ना, मेरे मोटू के लिए चॉकलेट लाया क्योंकि उसका थोड़ा मुंह कड़वा हो गया है। बोला फटाफट खाना खा के, एक खा दो खाने का दो खा, मैं लाता हूँ चॉकलेट का, क्या खाया जाता है मैं बोला मुंह कड़वे में वो बोल। फिर अभी दोपहर की दवा खाऊंगी, 5 बज रहा है अभी, शायद अभी खा लूंगी, शायद नहीं यकीनन दोपहर की दवा अभी खाऊंगी तो, और अभी कोशिश करूंगी सोऊं नहीं। हाँ इंशाल्लाह, और अगर फिर भी नींद आ गई तो सो जाऊंगी। ठीक है जान, तो चलो मेरी मोटू खाना ले ली है, चलती है उधर पे, हम लोग खाना खाते हैं। मेरी मोटू दिखाएगी अभी, मेरी मोटू पूरी बात करेगी आप लोगों से। चलिए आप लोग चलिए, हम लोग खाना खा लेते हैं फटाफट। हाँ जान हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। मेरी बीवी लेके जा रही है, अब मेरी बीवी वहाँ पे लगाएगी, फिर मेरी बीवी बैठेगी, मैं खाना पूरा लगाऊंगा। तुम चलो उधर हॉल में, मैं लगा दूंगा दस्तर, पानी की बोतल सब मैं लेकर आऊंगा। हाँ तो गाइस देखो, ये मेरा मोटू अब दस्तर क्यों ले रहा है मेरा मोटू। हाँ चलो अभी चलते हैं हॉल में और बैठते खाना खाने। माशाल्लाह मेरा मोटू थोड़ा बोल रहा, अच्छा लग रहा है। ऐसा बीमार हो जाता मेरे से बोलती नहीं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। हाँ जान बस आ जान, अभी बोलती अच्छी हो जाएगी मेरी जान की। तो ये देखो गाइस, मेरा मोटू दस्तर लगा रहा है, ये देखो माशाल्लाह हो गया ना घर में रौनक। ये खाली रौनक हुई है अभी, पूरा बाकी से कलर नहीं हुआ है। हाँ जान मजा आएगा माशाल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी जान उधर वाला चालू करने का है, ये लो बस उधर वाला चालू किया, मैं यहाँ वाला कर दिया था। ये मेरा मोटू बैठा है अभी, चलो एक ही फैन रखू चालू, दोनों रखू जानू, दोनों रखो अच्छा माशाल्लाह। चलो अब मेरा मोटू खाएगा इधर खाना, तो चलो यहाँ जान सब लाता हूँ, पानी की बॉटल जो जो है, और दूध भी पी लो समझे जान, मजबूत हो जाओ फिर खा के सो जाओ। हाँ मेरी जानू, तो फिर चलिए अभी ये खाना लेके आए हैं आपके भाई ने, और पेट भर के हम लोग खाना खाएंगे क्योंकि कल से हमारे घर में हमने बराबर से कुछ ना दोनों ने खाए नहीं। मोटू ने खाएगी तो मैं कैसा खाऊंगा। अभी हम लोग अभी मैं खाऊंगी अच्छे से, और मैं इनको भी खिलाऊंगी, और फिर उसके बाद ब्लॉग हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा ये, तो फिर दूसरा ब्लॉग हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह जब हमारा जो कारीगर आएंगे और मेरा जो रूम का काम चालू होगा ना, जो पीओ की बाकी है, तो फिर इंशाल्लाह हम सेकेंड ब्लॉग स्टार्ट कर देंगे, और फिर मिलते हैं आप लोगों से अच्छे अच्छे ब्लॉग के साथ। हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइए। न्यू व्यूअर्स अगर आ रहे हैं जी जान, तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अच्छे अच्छे कमेंट का इंतजार रहता है हम लोगों को। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, और दुआ में याद रखना कि हम लोग दोनों की तबीयत अच्छी रहे, और खासकर अभी मेरे शौहर मेरे वजह से बहुत परेशान हो गए। नहीं परेशान, मेरी बीवी है बाबा, मेरे पूरे घर की वो मेन है, मेरे घर की मेन लीडर है बाबा। याद रखिए, मिलते हैं बस, मैं क्या बात नहीं कर पाऊंगा, मेरे को बात नहीं करने होगा अभी।